चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीत रही है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी रेट पर खरीदी की बात भी कही, तो वहीं बस्तर में अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। इतना भी कोई स्टंट कर ले भैया, मोदी जी की सरकार आनी है, यह तय है। 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से माननीय मोदी जी के लिए जाएंगी, यह भी तय है। इन बातों में कोई संशय नहीं है। जनता तैयार है मोदी जी को वोट देने के लिए। अब सभी वस्तुओं के एमएसपी के निर्धारण का विषय है, ये बड़ी चर्चा का विषय है। मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं उसमें, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये मसला नहीं है अभी चर्चा का। एमएसपी पर खरीदा ही जाए। टमाटर आप लगा रहे हैं, टमाटर कैसा है, उसको हर हाल में सरकार एमएसपी पर खरीदे, ये कैसे तरसंगत हो सकता है? आज तक किसी सरकार, कोई सरकार न कर सकी है। क्वालिटी कैसी है उसकी, क्वालिटी कैसी है उसकी, इन सारी बातों पर मंथन करके ही निर्णय निकल सकता है। इसके लिए एक निर्णय अभी विभाग में चर्चा जारी है। किसी को बोलना ना पड़े कि मुझे बस्तर से निकलना है, ऐसी किसी के मन में ना आए बात कोई बोले ना। इसके लिए एक पूरी कार्ययोजना बना करके, एक प्रक्रिया बना करके कि इतने दिनों के बाद वो अपना ऑप्शन बता दें और उनको उनके ऑप्शन पर पोस्टिंग किया जाए और इतने दिनों के बाद फिर से उनको एक बार वहाँ पर आना है। ये पूरी प्रक्रिया बनाकर काम करेंगे। मतलब कोई अप्रोच से अपना काम करा ले, किसी के पास अप्रोच ना हो तो ना करा सके काम, ये सब नहीं चलेगा। कानून बनेगा, कानून से काम होगा।